आज मैं एक मुझे एनिमेशन मिला है जिसमें लेज़र जो फिशुला में करते हैं, एनल फिशुला का जो लेज़र क्लोज़र है उसका मुझे एक एनिमेशन मिला है। तो मैं आज देखूंगा उसको और देख के जो भी मेरा रिएक्शन होगा या जो भी मेरा ओपिनियन होगा वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, है ना। तो और अपन क्षार सूत्र से भी उसे थोड़ा कंपेयर करेंगे कि क्षार सूत्र करते हैं और जो ये प्रोसीजर जो मैं अभी देखने वाला हूँ इसमें मुझे क्या लगता है। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ये किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई किसी से बेहतर है या कोई किसी से कम है, बात इस तरह की नहीं है। ये एक प्रोसीजर है मैं देखने वाला हूँ क्योंकि मैं क्षार सूत्र करता हूँ फिस्टुला एनों में, और ये जो प्रोसीजर है ये लेज़र से होता है। तो मैं इसको, एक एनिमेशन है, छोटा सा एनिमेशन है, मैं इसको देखूंगा और जो भी मुझे लगेगा, तो वो तो कैमरे के सामने ही है, तो देखते हैं। अभी इसको मैं प्ले करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। You see, the an anal abscess and all abscess needs to be drained. Surgery. अब जैसे ये फिस्चुला इनने जो बताया है इस एनिमेशन में, इसमें देखिए ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग है, एक ये थोड़ी सी पस कैविटी है और ट्रैक है, और जिस तरह से ये फिस्चुला दिख रहा है ये ट्रांस स्फिंक्टर कहना चाहिए इसको। इंटरनल स्फिंक्टर थोड़ी सी इसने इन्वॉल्व करी है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर तो खैर सबक्यूटेनियस और इधर इन्वॉल्व तो है, तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। After abscess drainage. ये ड्रेन कर दिया एब्सेस, है ना, इसमें जो भी पस भरा हुआ था येलो कलर का ये ड्रेन कर दिया। देखिए अब ये रेडनेस इसमें बताई है इनने, ठीक है। तो आमतौर पर ऐसे ही दिखता ही है, इस तरह का ड्रेन हो गया है ना। अब ये कैविटी खाली हो गई, अब देखते हैं क्या करते हैं। It's better to put a loose settle. As you see. अच्छा देखो ये क्या किया है, ये इसको प्रोब कहते हैं, है ना। क्षार सूत्र में इस तरह के प्रोब की यूज़ नहीं करते हैं, क्षार सूत्र के लिए डिफरेंट तरह का प्रोब होता है, ये एक डिफरेंट तरह का प्रोब है, मगर दोनों का काम लगभग एक ही है। तो देखते हैं, We usually leave the settle for a month. अच्छा अभी इनने क्या किया है, एक्सटर्नल ओपनिंग से प्रोब को डाल के इंटरनल ओपनिंग से इन्होंने सेटॉन अप्लाई किया है। अब सेटॉन कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का थ्रेड हो सकता है सेटॉन, कई बार सूचर भी बांध देते हैं ऐसा मतलब मुझे पता है। तो इस तरह का सेटॉन ये इसमें अप्लाई कर दिया, और इस एनिमेशन में जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए सेटॉन इनने छोड़ दिया है बांध के, जैसा क्षार सूत्र में थ्रेड अप्लाई करते हैं ना उसमें भी इसी तरह बांधते हैं, और ये सेटॉन भी इसी तरह बांधा है और 1 महीने के लिए छोड़ा है। अब 1 महीने का क्या लॉजिक है ये मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे, क्योंकि मुझे इस लेज़र वाले प्रोसीजर में तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा क्षार सूत्र सर्जन जो मुझे लगता है, सेटोन इसमें अप्लाई कर दिया, तो पहली बात है ये कि 1 महीने के लिए सेटोन अप्लाई किया है, तो सेटोन डालने से या कोई भी थ्रेड डालने से जो बेसिक उसका काम है, जैसे क्षार सूत्र भी हम अप्लाई करते हैं तो ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर रखता है ना, अंदर इंटरनल ओपनिंग से जो भी पस जो है वो बन रहा, क्योंकि एकदम से तो बंद होता नहीं, बंद होते होते होता है, तो धीरे धीरे करके इसका जो ड्रेनेज है ना ये थ्रेड जो है मेंटेन करता है। तो एक तो काम ये हो सकता है इसका कि ये ड्रेनेज मेंटेन करता है, तो अंदर से इन्फेक्शन थोड़ा सा कम होगा। बाय द टाइम मुझे लगता है इसमें इस 1 महीने में मेडिकेशन तो चलता ही होगा, तो शायद बीच बीच में कुछ एंटीबायोटिक भी 7 दिन 3 दिन 5 दिन कुछ ऐसा चलाते होंगे, जिससे कि अंदर का इन्फ्लेमेशन और जो इन्फेक्शन का जो ग्रेड है वो थोड़ा सा कम हो, वुंड थोड़ा सा हेल्दी हो। तीसरी बात तो मुझे ये लगती है कि 1 महीने में जब ये थ्रेड बांधेंगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइट रखते होंगे इसको, तो टाइट रखने से क्या होता है, जो थ्रेड का जो बेसिक काम होता है जो क्षार सूत्र में भी होता है कि हम जब थ्रेड को टाइट करते हैं, नॉट को टाइट करते हैं, तो 1 हफ्ते में 1 सेंटीमीटर ये नीचे आता है। तो जब इस सेटॉन को भी अप्लाई किया होगा 1 महीने के लिए, मान लो ये छोड़ते हैं अगर इस तरह का काम करते हैं 1 महीने के लिए, तो मेरे ख्याल से 1 महीने में 3 हफ्ते मिलते हैं, तो 3 हफ्ते में काफ़ी कुछ ये खुद भी नेचुरली भी कटता होगा, जैसा क्षार सूत्र का लॉजिक है उस हिसाब से भी ये कटता होगा। तो मेरे ख्याल से इंटरनल ओपनिंग से तो ये नीचे आ जाता होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है 1 महीने में ये कट तो जाएगा, 1-2 सेंटीमीटर के लगभग तो ये कट ही जाएगा।
तो पहली बात तो ये कि ड्रेनेज प्रॉपर रखेगा, दूसरी बात ये कि बाय द टाइम जो एंटीबायोटिक्स चलेंगी क्योंकि इसमें देते होंगे तो इन्फेक्शन भी थोड़ा सा कंट्रोल होगा, और तीसरा ये इंटरनल ओपनिंग से शायद ये कट के थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा। ये दो तीन काम इस एक महीने में इसमें हो जाएंगे और फिर ड्रेसिंग वेसिंग कुछ चलती होगी। तो चलो आगे देखते हैं क्या करते हैं। एक महीना बीत गया है, वन मंथ लेटर हो गया। Use the laser treatment. You can use the laser treatment. First, अच्छा देखो इनने अब सेटॉन निकाल दिया। एक महीने बाद जब पेशेंट रिव्यू दोबारा लेजर के लिए बुलाया है तो सेटॉन इनने रिमूव कर दिया है इस एनिमेशन के हिसाब से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। It's better to place a plastic tube than the laser probe. अच्छा इनने क्या किया है, उसके बाद जब सेटॉन निकल गया है तो उसके बाद प्रोब के हेल्प से इंटरनल ओपनिंग से एक्सटर्नल ओपनिंग की तरफ से एक ट्यूब को इनने, प्लास्टिक ट्यूब है वो, कोई भी ट्यूब हो सकती है स्टराइल, उसको इनने एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर कर लिया है। ठीक है, और अब इससे इनने ये जो प्रोब देख रहे हैं ना, ये लेजर का प्रोब है ना, इसको प्रोब ही बोलते हैं एक्चुअली, कोई भी चीज़ प्रोब ही कहलाती है। तो ये लेजर थेरेपी का प्रोब है जो कि ट्यूब के हेल्प से इन्हें अंदर कर दिया, क्योंकि सीधे तो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि फिस्चुला ट्रैक है ना, कोलैप्स रहता है, तो सीधे तो प्रोब इसका अंदर जाएगा नहीं, ये प्रोब भी डैमेज हो जाएगा, इसलिए इन्हें एक ट्यूब डाला है ताकि ये सेफली अंदर जा सके। तो ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए भी है प्रोब के, और ईजी भी हो जाता है थोड़ा सा। And you can take out the plastic tube. उसके बाद प्लास्टिक ट्यूब बाहर निकालिए प्रोब। अब देखो प्रोब का जो मुंह है ना, जहां से लेजर होने वाला है वो इंटरनल ओपनिंग पे है ना, ये ध्यान देने वाली बात है, इंटरनल ओपनिंग पे है। Two millimeter behind internal organs. Then every half centimeter you can find. उसके बाद ये लेजर को फायर कर रहे हैं आधे आधे सेंटीमीटर में, शायद हाफ सेंटीमीटर बोला इनने, आधे आधे सेंटीमीटर में इसको फायर करते हुए पीछे खींचते जा रहे हैं इसको, है ना। तो देख रहे हैं कि फिशुला का ट्रैक जो है वो श्रिंक हो रहा है वहाँ से। ऑब्वियसली बात है, जब कोई जलेगी चीज़ तो वो श्रिंक होगी, सिकुड़ती है, तो इंटरनल ओपनिंग भी सिकुड़ गई है और ट्रैक भी सिकुड़ता जा रहा है बाहर तक कर दिया है इसको। We always prefer to close the internal orifice. आप देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है इसको, ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्हें यूज किया है ना, इसको स्पेकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेकुलम को अंदर करके और उसको वाइड करके एनल कैनाल को, और ये जो काला दिख रहा है ना अंदर, ये इंटरनल ओपनिंग है। अब इंटरनल ओपनिंग में देखो क्या करते हैं। अच्छा, ये तो क्यूरेटर टाइप का एक है ना, कैसा इसको थोड़ा सा क्यूरेट करके, और फिर एक सूचर से इंटरनल ओरिफिस को, इंटरनल ओपनिंग को क्लोज कर दिया। जब वैसे इनने जो लेजर से किया था तो क्लोज हुई होगी, लेकिन इंटरनल ओपनिंग की जो स्किन है उसको भी क्लोज करना जरूरी है, तो ये सूचर से इसको क्लोज कर रहे हैं। क्लोज कर दिया, स्पेकुलम बाहर निकाल दिया। यूजुअली डू नॉट क्लोज द एक्सटर्नल ओरिफिस, एक्सटर्नल ओरिफिस को, एक्सटर्नल ओपनिंग को इनने क्लोज नहीं किया है। ये मुझे लॉजिक इसलिए लगता है क्लोज नहीं किया है कि जो भी लेजर थेरेपी के बाद कुछ अगर डिस्चार्ज वहाँ पे है तो वो एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर निकल सके, और फिर बाय द टाइम वो एक्सटर्नल ओरिफिस जो है वो क्लोज हो जाएगा, और इस तरह से फिस्टूला जो है मेरे ख्याल से लेजर इसमें करते होंगे। ये वीडियो ख़त्म हो गया। अब इसमें मेरा ओपिनियन ये है, क्षार सूत्र इसमें कैसे करते हैं, तो एक क्षार सूत्र का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो क्षार सूत्र के वीडियो में तो बताया है कि क्षार सूत्र कैसे करते हैं। जैसे इसमें प्रोब से इन्होंने अपना जो शुरू में जो सेटॉन डाला था, क्षार सूत्र भी वैसे ही डालते हैं, वीकली क्षार सूत्र चेंज करते हैं, एक एक हफ्ते में वो एक एक सेंटीमीटर नीचे आता है और एक दिन अपने आप बाहर हो जाता है। ये क्षार सूत्र का एक प्रोसेस है। इसमें और क्षार सूत्र में क्या अंतर है, ठीक है ना, तो इसमें और क्षार सूत्र में, वीडियो कितना हो गया, हाँ इसमें और क्षार सूत्र में अंतर मैं बताऊँ, कुछ मेरे को पॉइंट इसमें लगते हैं कि
जैसे क्षार सूत्र हम यूज करते हैं, तो इन्होंने जैसे शुरू में सेटॉन डाला था, तो हम सेटॉन की जगह क्षार सूत्र यूज करते हैं। तो एक्चुअली क्षार सूत्र में क्या है, उसके ऊपर मेडिसिन की एक लेयर होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, वो मेडिसिन भी फिस्चुला की इंटरनल ओपनिंग पे काम करती है। तो एक तो बात ये कि सिंपल सेटॉन डाला है और हम क्षार सूत्र का यूज करते हैं, तो क्षार सूत्र में सेटॉन तो होता ही है, क्योंकि वो प्लेन थ्रेड होता है, उसके अंदर बार बार थ्रेड, तो वो तो सेटॉन का काम करता ही करता है। लेकिन उसके ऊपर जो मेडिसिन की लेयर होती है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी उसमें करती है। तो ये दो बेनिफिट हमको क्षार सूत्र से मिलते हैं, कि मेडिसिन का भी इफेक्ट उसमें आता है और सेटॉन का जो ये वाला इफेक्ट ले रहे हैं, तो ये इफेक्ट भी क्षार सूत्र में आता है। दूसरी बात ये है कि क्षार सूत्र में तो थ्रेड चेंज करते हैं वीकली, लेकिन ये वन सेटिंग का फिर भी, मतलब जैसे एक महीना तो इन्हें सेटॉन डाल के ले लिया था, लेकिन फिर भी अपन इसको बोले कि अगर लेजर एक सेटिंग में भी कर रहे हैं तो बर्न करते हैं लेजर से उसको, तो मेरे ख्याल से स्कार तो बनता होगा इंटरनल ओपनिंग से एक्सटर्नल ओपनिंग तक। जब आप अपन उसको जलाएंगे, लेजर करेंगे उस पर, उसको फायर करेंगे, तो श्रिंक होता है वो, तो थोड़ा फाइब्रोसिस तो उसमें होता होगा। और जो फिस्टुला मैं देख रहा हूँ, ट्रांसस्पिंट्रिक फिस्टुला इस वीडियो में बताया है, तो ट्रांसस्पिंट्रिक फिस्टुला यदि मैं यदि इस तरह का करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद स्कार तो बनता ही होगा। और वो स्कार कितने दिन में नॉर्मल होता होगा, या उसमें स्फिंक्टर डैमेज का क्या रोल है, ये मुझे बहुत इसमें समझ में नहीं आया, क्योंकि बर्न कर रहा है मतलब मसल तो बर्न हो ही रही होगी, तो वो एक थोड़ी सी देखने वाली बात है इसमें कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो बहुत मुझे नहीं मालूम है कि इसका प्रोग्नोसिस कैसा होता होगा, इसके बाद क्या कंडीशंस इसमें बनती होंगी, क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें आ सकते हैं। तो क्योंकि बर्न किया हुआ है अंदर से, स्फिंक्टर्स में कुछ तो डैमेज हुआ होगा, और ये क्षार सूत्र में यदि करते हैं तो बर्न नहीं होता है एक्चुअली, और क्षार सूत्र पूरे मसल को एक बार में काटता भी नहीं है, एक एक सेंटीमीटर एक एक वीक में काटता है, और एक वीक में एक सेंटीमीटर को यदि आप 7 दिन में डिवाइड कर दो तो काफ़ी मतलब कुछ mm ही आएगा जो कि मसल को वो काटता है, तो कुछ फाइबर ही उसके एक बार में कटते होंगे, वो मतलब उस तरह का जो डैमेज है वो क्षार सूत्र में नहीं होता, मुझे लगता है इससे बहुत कम होता है क्षार सूत्र में, कुछ फाइबर ही कटते हैं, और वो इतने फाइन कटते होंगे कि जब वो मतलब उनमें दोबारा से वो कनेक्ट होते होंगे, दोबारा से बनते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर आता होगा, स्कार इतना स्कार नहीं बनता इसमें, मुझे लगता है शायद ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाता होगा, दूसरी बात तो मुझे ये लगती है। तीसरी बात ये इंटरनल ओपनिंग के बारे में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि फिस्टुला का ओरिजिन जो है वो हमेशा इंटरनल ओपनिंग से रहता है। अब इंटरनल ओपनिंग में इन्होंने बर्न तो किया है, क्रिप्ट भी बर्न होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है क्रिप्ट भी बर्न होना चाहिए, तो वो भी मुझे ठीक लगता है, उसमें भी कोई बात नहीं, वो भी सक्सेस हो सकता है। ये इंटरनल ओपनिंग अगर बर्न कर देते हैं तो फिर क्रिप्ट में अगर इन्फेक्शन होना बंद हो गया तो एक्सटर्नल ओपनिंग तो खैर कोई बात ही नहीं है, वो तो केवल एक डिस्चार्ज का रास्ता है। इंटरनल ओपनिंग अगर बर्न हो गई अच्छे से तो फिर फिस्टुला वहाँ से दोबारा बन नहीं सकता, तो बर्न का एक बेनिफिट तो वहाँ पे है। चौथी चीज मुझे उसमें ये लगती है कि अंदर एक स्टिच किया है, तो वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है मेरे हिसाब से, मतलब मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि उसमें यदि मान लो अपन स्टिच कर देते हैं तो स्टिच है, और स्टिच किया है यदि तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, अगेन बाई चांस इन्फेक्शन यदि हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और क्लोजर है वो एक तरह का, तो मेरे ख्याल से उसको पूरी तरह से बर्न होने के बाद मतलब स्टिच में इन्फेक्शन के चांस शायद रह सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो, बाकी ये वाला प्रोसीजर मुझे अच्छा लगा, इसमें बर्न हो जाता है तो मुझे लगता है फिस्टुला के दोबारा होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, लेकिन स्टिच वगैरह लगाने का मतलब स्टिच मुझे तो उतना पसंद नहीं आता है कि कोई चीज़ वहाँ पे स्टिच की जाए, वो नॉर्मली नेचुरली जितना हो उतना बेहतर है। यही दो चार चीज़ें मुझे इसमें लगी, लेकिन लेज़र मुझे फिर भी ठीक लगा। जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं जैसे फिस्टुलेक्टमी, फिस्टुलॉटमी है या लिफ्ट वगैरह करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे लेज़र, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। इसमें ठीक होने की संभावना
थोड़ी सी उन प्रोसीजर से ज्यादा है। क्षार सूत्र में तो खैर सबसे ज्यादा है, क्षार सूत्र सेफ भी है और क्षार सूत्र बेस्ट है, लेकिन ये क्षार सूत्र के बहुत पास है ना, इसमें सक्सेस रेट जो है वो मिल सकते हैं मुझे लगता है ऐसा, ये वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ा ठीक लगता है। तो यही मेरा ओपिनियन था, मुझे अच्छा लगा लेजर ट्रीटमेंट ये वाला, तो सही है। लेकिन क्षार सूत्र करें तो बेहतर है, क्योंकि क्षार सूत्र में अभी भी रिजल्ट उसमें इससे अच्छे मिल सकते हैं, और फाइब्रोसिस से भी बचेंगे, स्फिंक्टर डैमेज से भी बचेंगे, और टाइम तो फिर भी 1 महीना तो ले ही रहे हैं, तो टाइम तो उतना ही लग रहा है, मान लो 4-5 सेंटीमीटर का फिस्चुला है और 1 महीने बाद लेजर ही कर रहे हैं, तो 4-5 हफ्ते में तो क्षार सूत्र भी निकल ही जाएगा उसमें से, तो इसलिए क्षार सूत्र थोड़ा सा सेफ है और ठीक है। फिर फिस्चुला दोबारा हो या ना हो ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि लेजर भी यदि करना है तो किस तरह से करना है, उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, उसका एक्सटेंशन कितना है, पस कैविटी कितनी है। ये तो बहुत नॉर्मल वीडियो था, मतलब ऐसा फिस्चुला तो ऐसा, ये तो आइडियल वीडियो था इनने जो एनिमेशन बनाया, तो ऐसे केस होते नहीं, केस कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, तो उसमें क्या है थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, तो डॉक्टर अपने स्किल से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसमें मॉडिफिकेशन कोई भी केस है उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, और मॉडिफिकेशन जितना अच्छा होगा उतने सक्सेस रेट हो जाएंगे। तो जैसा फिस्चुला होगा उसके हिसाब से प्लान किया जाएगा, उस हिसाब से अगर यदि लेजर भी करेंगे और अगर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं स्किलफुल हैं तो बढ़िया से लेजर में भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और क्षार सूत्र में भी मॉडिफिकेशन करना ही पड़ता है क्योंकि फिस्चुला सारे एक से नहीं होते हैं, तो उसमें भी वही बात है ना, कई बार कॉम्प्लिकेटेड फिस्चुला होते हैं ना, ये तो बहुत सिंपल फिस्चुला इनने इस एनिमेशन में बताया था, कॉम्प्लिकेटेड फिस्चुला होते हैं, दो दो तीन तीन ओपनिंग होती है, 12 o'clock से 6 o'clock पे हॉर्स शू फिस्चुला क्या बताया जाए, है ना, और कैविटी होती है पूरा इधर 9 o'clock से 3 o'clock तक पोस्टीरियर पूरा लिया रहता है, घूम के 12 o'clock ऊपर तक चला जाता है एब्सेस, कहाँ करोगे आप लेजर या कहाँ करोगे आप क्षार सूत्र, तो उसमें तो मतलब प्लान ही करना पड़ता है और उसको प्लान के हिसाब से ही ठीक करना पड़ता है ना। तो ये तो मेरा खैर ओपिनियन था, मुझे लेजर ट्रीटमेंट अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा है ना, तो चलो ऐसे ही कोई प्रोसीजर कभी देखूंगा तो फिर अपना ओपिनियन दूंगा, है ना, चलो तब तक के लिए बाय।